नमस्कार दोस्तों, विनू किचन में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है चाय मसाला। दोस्तों, जो लोग चाय के शौकीन होते हैं, अगर उनको सुबह की चाय अच्छी मिल जाए तो उनका पूरा दिन अच्छा गुजरता है, काम भी अच्छे से होता है। लेकिन अगर उनकी सुबह की चाय खराब हो गई तो पूरे दिन मूड ऑफ रहता है और काम भी सही से नहीं होता है। तो दोस्तों, जो चाय मसाला आज हम बनाने जा रहे हैं उससे बहुत ही स्वादिष्ट अच्छी चाय बनती है। तो चलिए दोस्तों, बनाना स्टार्ट करते हैं। चाय मसाला बनाने के लिए मैंने एक जायफल लिया है, एक टुकड़ा दालचीनी का, ये जिंजर पाउडर है, घर में बनाया हुआ है। अगर इसकी रेसिपी देखने चाहो तो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। और वैसे अगर सौंठ पाउडर लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो आप। ये एक चम्मच है छोटी वाली, आधा चम्मच लौंग, एक चम्मच इलायची, एक चम्मच काली मिर्च और एक चम्मच तुलसी के पत्ते। इससे हम चाय मसाला बनाएंगे। सबसे पहले हम तुलसी और जिंजर पाउडर को हटा देंगे, बाकी के मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हम एक पैन लेंगे और गैस ऑन कर लेंगे और इसमें इलायची डाल लेंगे। वन बाय वन सारे मसाले इसमें डाल लेंगे हम, जिंजर पाउडर को छोड़ के और तुलसी पत्ते नहीं डालेंगे, बाकी सब डाल लेंगे। दालचीनी भी डाल देंगे, लौंग भी डाल देंगे। इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, तो ज्यादा भूनना नहीं है। मसाले को हल्का सा ड्राई रोस्ट करने के बाद ये जो जायफल था इसको हमने तोड़ लिया छोटे टुकड़ों में, और इसको दालचीनी को भी तोड़ लिया। अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और ठंडा कर लिया है इसको, थोड़ा गर्म नहीं पीसेंगे, और इसमें डाल लेंगे और ये जिंजर पाउडर भी डाल देंगे, तुलसी के पत्ते भी डाल देंगे। अगर आपके घर में किसी के जुखाम लग रही है, फिर सर्दी के टाइम आप ये मसाला बना रहे हो, तो इसमें थोड़ी सी एक चम्मच अजवाइन भी ऐड कर सकते हो, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और जुखाम खांसी भी ठीक हो जाती है। अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला बन के तैयार है, बिल्कुल रेडी है। मिक्सर ग्राइंड कर लिया है इसको, और अब एक कटोरी में निकाल लेती हूँ मैं इसको। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट डब्बे में डाल के इसको हम रख देंगे और 2-3 महीने तक यूज में ले सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और बहुत ही अच्छी प्यारी सी खुशबू पूरे घर में फैल गई है, बहुत अच्छा मसाला बना है। एक बार ज़रूर ट्राई करना, चाय जिन लोगों को पसंद नहीं है वो भी पसंद करने लगेंगे, शौकीन हो जाएंगे चाय के। बहुत ही अच्छा मसाला बना है, बहुत ही टेस्टी चाय बनती है इससे। ये लीजिए तैयार है दोस्तों, बिल्कुल चाय बनाने के लिए। अब हम 1 कप चाय बना रहे हैं, उसमें थोड़ा सा 1/4 चम्मच मसाला डाल लेंगे, और 2 कप बना रहे हैं तो 1/2 चम्मच डाल लेंगे। बहुत ही अच्छी चाय बनती है, बिल्कुल ढाबे वाली। और धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।